तो कैसे हो दोस्तों दोस्तों अगर आप क्रिप्टो मार्केट में एक बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आपको सिर्फ तीन स्टेप फॉलो करने हैं नंबर वन एक ऐसा क्रिप्टो आपको फाइंड करना है जो कि फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए नंबर टू जो भी आप क्रिप्टो फाइंड कर रहे हो वो उस टाइम पर अंडर वैल्यूड होना चाहिए और नंबर थ्री जो कि लास्ट स्टेप है हमारा जिस भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो उस क्रिप्टो के साथ कुछ बड़े नाम जुड़े होने चाहिए तो ये तीन अगर चीज़ें आप देख लेते हो किसी भी क्रिप्टो में तो अगर आपको ऐसा कोई क्रिप्टो अंडर वैल्यूड मिल जाता है तो आप उसे मिस मत करना डेफिनेटली उसे बाय करना तो उसी तरह से आज मैं एक क्रिप्टो आपको बताने वाला हूँ जो कि अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा तो नहीं बट फिर भी इसे हम थोड़ा सा अंडर वैल्यूड कह सकते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले उस क्रिप्टो की तो वो है हमारा यहाँ पे इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस अगर हम बात कर लें यहाँ पे इसकी मार्केट रैंक की तो सेवन की इसकी मार्केट रैंक है इसी के साथ साथ अगर इसकी करंट प्राइस की बात करें तो वन पॉइंट थर्टी डॉलर इसकी करंट प्राइस चल रही है और इसी के साथ साथ बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि उन्हें आई में प्राइस देखना है जो बहुत से लोगों को यू में थोड़ा सा होता है तो हम बात कर लेते हैं आएन में तो आप देखोगे इसका प्राइस आई में तो नाइनटी सेवन रुपीज़ के आसपास का आई में प्राइस चल रहा है अब हम बात कर लेते हैं इसके वन ईयर के लो हाई की तो यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो पॉइंट सिक्स फोर डॉलर से लेके एट पॉइंट सेवेंट सेवन डॉलर तक इसका हाई गया है इसी के साथ साथ मैं आपको आएन में दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आप देखो फोर्टी एट रुपीज से लेके सिक्स फिफ्टी सेवन रुपीज़ तक इसका प्राइस गया है तो आप यहाँ पे सोच सकते हो अगर आप इस प्राइस पे नाइन्टी सेवन रुपीज़ पर बाय करते हो और उसके बाद अगर ये यहाँ पे देख सकते हो अपना ऑल टाइम हाई टच करता है सिर्फ ऑल टाइम हाई भी तो भी आपका पैसा फाइव एक्स से ज़्यादा हो जाएगा बट जो भी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होते हैं वो अपना ऑल टाइम हाई हमेशा ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाते हैं जब भी बुल मार्केट आते हैं तो तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बुल मार्केट में ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा और एक चीज़ और इस क्रिप्टो के अंदर हमें प्रॉफिट बनाने की दो दो अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है तो कौन सी है वो दो अपॉर्चुनिटी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नीचे और उसके बाद हम मार्केट पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर मार्केट पर आओगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस किस एक्सचेंज पर यह लिस्ट है तो यहाँ पर हम बात कर ले यूनिशो गेट आईओ यो कू कॉइन हु ग्लोबल तो ये इन सब एक्सचेंज पे लिस्ट है वजीरा पे भी आप इसे बाय सेल कर सकते हो ठीक है उसके साथ साथ जेब पे कॉन एक्स कॉइनडीसी एक्स बिट बेन एक्स तो और भी काफ़ी सारे एक्सचेंज पे है बट एक जो बड़ा एक्सचेंज है हमारा वो है हमारा बाइनन्स तो अभी तक ये क्रिप्टो बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हुआ जब भी ये बाइनन्स पे लिस्ट होगा तो वहाँ पे हमें काफ़ी बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है उसके साथ साथ हम पहले चल लेते हैं इसकी वेबसाइट पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी ये वेबसाइट है अब मैं आपको ये भी समझा जाता हूँ कि इसका काम क्या है तो जैसे कि आपको पता होगा जैसे डी एप्स वगैरह होते हैं पैनकेक पेनकिक्सॉप यूनिशॉप तो जितने भी डी एप्स हैं तो ये उन पे नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइड कराता है फॉर एग्जांपल आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो पेन केक शॉप पर या फिर जितने भी डी एप्स हैं तो उनकी आपको ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने की या फिर किसी भी ट्रांजेक्शन का आपको नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलता तो ये उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और एक चीज़ और जो इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है ये कि इस सेक्टर में इनका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है अगर डिसेंट्रलाइज में आप देखोगे नोटिफिकेशन सर्विस के लिए सिर्फ और सिर्फ एथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस है इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा जो कि इसको कॉम्पीट कर रहा हो तो ये एक इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है और इसी के साथ साथ हम बात कर ले यहाँ पे वेब थ्री पॉइंट जैसे कि आपको पता है ट्रेंड अभी वेब थ्री पॉइंट का चल रहा है तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट भी वेब थ्री पॉइंट का प्रोजेक्ट है इसी के साथ साथ मैंने आपको जैसे कि बताया थर्ड स्टेप जो था हमारा कि उस क्रिप्टो के साथ उस प्रोजेक्ट के साथ नाम होने चाहिए काफ़ी बड़े बड़े तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी पार्टनर की लिस्ट तो अब हम बात कर लेते हैं इसके पार्टनर्स की तो आप यहाँ पे देख सकते हो आवे यूनिसॉप डी वाई डी इसी के साथ साथ आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कितने बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो अल्फा फाइनेंस लैब मिल जाएगा आई मिल जाएगा आपको इसी के साथ साथ आप और स्वैप करोगे तो आपको और भी काफ़ी सारे ईजी आप देख सकते हो तो काफ़ी सारे नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है यहाँ पे बी हज़ार डायरेक्स देख सकते हो चार्ज पार्टिकल देख सकते हो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और उसके साथ साथ फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है तो अभी के टाइम पे मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्विटर पेज की तो हमारे इसके ट्विटर पेज पे यहाँ पे अगर हम बात कर लें इनके फॉलोअर्स की तो एक लाख दस हज़ार इनके फॉलोअर्स हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो इनका मेन नेट लाइव हुआ है कुछ टाइम पहले तो यहाँ पे डेवलपमेंट फेज़ में और मैंने आपको पहले ही बताया जितने भी क्रिप्टो जितने भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज़ में होते हैं उनके ज़्यादातर चांस होते हैं वो उन्हें ग्रो करने के तो मेरे हिसाब से अभी ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है उसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट में तो मेरे हिसाब से आपको बाय करना चाहिए इसे और उसी के साथ साथ आपको कैसे बाय करना है मैंने आपको बता दिया कि आपको पार्ट्स में एक्यूमुलेट करना है अगर आपको इसके बाइंग जोन्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो इसके साथ साथ मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें दो तरीके से प्रॉफिट बनाने की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है तो पहला तो मैंने आपको बता दिया जो कि है कि अभी तक ये बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हुआ है तो वो जब भी बायनेंस पे लिस्ट होगा तो वहाँ पे एक लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे हम एक काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं बिकॉज बायनेंस काफी बड़ा एक्सचेंज है और बायंस पे जब भी इसकी लिस्टिंग होगी तो वहाँ पे हमें काफी बड़ा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है अभी हम बात कर लेते हैं इसकी दूसरी ऑपरचुनिटी के बारे में तो मेरे हिसाब से अभी ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा अंडर है तो अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रख लेते हो तो आने वाले टाइम पर यह काफी बड़ा प्रॉफिट निकाल के दे सकता है आपको भी तो ये दो ऑपरचुनिटी मेरे हिसाब से इसके अंदर देखने को मिल रही है और मेरे हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है तो आप इसे पार्ट्स में बाय कर सकते हो और इसी के साथ साथ अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना तो बस आज की वीडियो में इतना ही था फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में